जीवन और मृत्यु ये दो पहलू हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद होने वाले संस्कारों को एक विशेष स्थान प्राप्त है। यह कहा जाता है कि जिस प्रकार जन्म के समय कुछ संस्कार होते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के बाद भी संस्कारों का महत्व होता है। इन संस्कारों में अंतिम संस्कार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद श्मशान से लौटते वक्त एक छोटी सी गलती मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलने देती? गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में इस गलती से बचने की सलाह दी गई है, ताकि आत्मा को परमात्मा से मिलन में कोई बाधा न आए। जी, अपने हिंदू धर्म की अपन बात कर रहे हैं तो हिंदू धर्म के में संस्कारों का बड़ा महत्व कहा गया है। हिंदू धर्म में मुख्यतः 16 संस्कार कहे गए हैं। यहाँ पे जन्म से पूर्व ही संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं, तो आखिरी वाला संस्कार आता है जो अंतिम संस्कार के नाम से अपन जानते हैं। अंतिम संस्कार क्रिया अपने यहाँ पर भारत में माननी ज़्यादातर होती है, जो कि दाह संस्कार होता है, जो कि अग्नि में किया जाता है। अग्नि में दाह संस्कार करने पर व्यक्ति के अनेक प्रकार की क्रियाएं, गरुड़ पुराण शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि गरुड़ पुराण के अनुसार कहा गया है कि अंतिम संस्कार के पीछे भी अनेक क्रिया होती है। उन क्रियाओं को करने के पश्चात उसको दाह संस्कार के लिए शमशान की ओर ले जाया जाता है। कार अर्ध होने पर ब्रह्मानंद वेदन होता है और अनेक क्रियाएं होती है। उसके पश्चात तो वहाँ पर कुछ देर ठहरा जाता है। कुछ देर ठहरने के पश्चात वहाँ से अधिकतर व्यक्ति गलतियाँ करते हैं, कर देते हैं, कि जिससे अंतिम संस्कार किए हुए प्राणी के जो परिजन हैं वो शमशान भूमि से लौटते हुए बड़ी आशा लगा करके कि हमारा प्रिय जन था, हमारे व्यक्ति था जो कि अब इस दुनिया में न रहा, उसकी आशा भरी नज़रों में पीछे मुड़ करके देखते हैं। तो वो पीछे मुड़ करके देखना बड़ा अशुभ कहा गया है, कि जिससे कि वह प्राणी को परलोक गमन में, यमलोक गमन में बड़ा कठिनाई होती है। आइए जानते हैं कि श्मशान से लौटते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों पीछे मुड़कर देखना वर्जित है। उज्जैन के प्रसिद्ध पंडित आनंद भारद्वाज के अनुसार श्मशान से लौटते समय पीछे मुड़कर न देखने का यह नियम सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह मृतक आत्मा की शांति के लिए आवश्यक भी है। जब परिवारजन श्मशान से लौटते समय बिना पीछे देखे आगे बढ़ते हैं, तो यह आत्मा के लिए एक संकेत होता है कि उसका सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है और अब उसे परलोक की यात्रा करनी चाहिए। मृत्यु के समय अंतिम संस्कार करने के पश्चात जब व्यक्ति बड़ी आशा की नजरों से, आशा भरी नेत्रों से जब मृतक प्राणी के दाह संस्कार करने के पश्चात शमशान से लौटता है और पीछे मुड़ करके देखता है, तो उसमें वो बाधा होती है। वो प्राणी को परलोक जाने में बड़ी कठिनाई होती है कि मैं अपने पुत्र, अपनी भार्या आदि को छोड़कर कैसे जाऊं। इस प्रकार वो मन में विचार धारण करता है। और अंतिम संस्कार के पश्चात भी जो कहा गया है, गीता के अनुसार कहा गया कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा ये अपने सारे कृत्य देखती है। और जब वो अपन लौट करके आते हैं और पीछे मुड़ करके देखते हैं, तो उससे प्राणी को परलोक गमन में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए अंतिम संस्कार कर कर के जब आवे तो पीछे मुड़कर कर न देखना चाहिए, ये बड़ा अशुभ कहा गया है तथा प्राणी की मुक्ति में बाधित होता है। इसलिए हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के बाद श्मशान से लौटते समय पीछे मुड़कर न देखने की परंपरा को न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि मृतक की आत्मा की शांति और उसकी परलोक यात्रा के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु के बीच के इस संतुलन को समझना और का सम्मान करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। लोकल 18 के लिए उज्जैन से शुभम मर्मट की रिपोर्ट।